गोरखपुर में टेरर आतंक का एस फैक्टर। जी हां, क्योंकि गोरखपुर मंदिर परिसर में धारदार हथियार लेकर घुसने वाले आरोपी का सीरिया कनेक्शन सामने आ रहा है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। विस्तार से आपको डिटेल में बताएंगे कि पूछताछ में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, लेकिन इस वक्त गोरखपुर से एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। गोरखनाथ मंदिर के पास सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। मंदिर परिसर के बाहर बुलेट प्रूफ पोस्ट लगाया गया है। गोरखपुर पुलिस के मुताबिक दो स्तर पर सुरक्षा को मजबूत करने का काम शुरू हो गया है। सुरक्षा ढांचे को ठीक किया जा रहा है, साथ ही रिस्पांस और एसओपी को भी परखा जा रहा है। हमले की घटना के बाद से सुरक्षा और ज्यादा सख्त कर दी गई। तो गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। मुर्तजा अब्बासी का नाता सीरिया से लेकर आईएसआईएस तक जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आतंकी हमलों के साथ साथ मुर्तजा जाकिर नायक के वीडियो भी देखता था। पूछताछ में उसके खतरनाक इरादे पता चले। वो मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों की राइफल छीनना चाहता था। गहरी साजिश की कड़ियां जुड़ती जा रही है। पूरे प्रकरण को एक आतंकी साजिश मानते हुए एटीएस से विवेचना कराई जा रही है। बहुत जल्दी ही कई चीजों का जो है इसमें खुलासा करेंगे। दो गड़ासे और चाकू लेकर बेखौफ होकर गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमला करने के संगीन मामले में नए खुलासे एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रही है। जिस शख्स को मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, उस मुर्तजा अब्बासी से सच उगलवाने में पुलिस और एटीएस के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वो असल में शातिर और दिमागी तौर पर मजबूत है। तीन खुलासों के जरिए आप समझ जाएंगे कि कैसे मुर्तजा के इरादे खतरनाक थे। खुलासा नंबर एक, आईएसआईएस अटैक और जाकिर नायक के वीडियो देखता था मुर्तजा। जी हाँ, दिमागी तौर पर कमजोर दिख और बताया जा रहा यह शख्स अपने लैपटॉप में देखता था खतरनाक आतंकी हमलों के वीडियो, ऐसे वीडियो जो उसके इरादे बताते हैं। अब्बासी के लैपटॉप में खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस और जाकिर नायक से जुड़े वीडियो मिले हैं। रात भर की पूछताछ में अब्बासी के गुरु का नाम भी सामने आया है। वो यमन अमेरिकी इमाम अनवर अल हलाकी को गुरु मानता था। बहुत जल्दी ही कई चीजों का जो है इसमें खुलासा करेंगे। उसके जो लैपटॉप और जो उसके मोबाइल फोन्स हैं उन पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, और इस पर बहुत जल्दी 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 चीजें जो है समझ में सामने आएंगी। खुलासा नंबर दो, राइफल छीनना चाहता था मुर्तजा। मुर्तजा के हाथ में एक गड़ासा था, जबकि बैग में दूसरा गड़ासा और एक चाकू था। पूछताछ से पता चला कि वो पीएसी जवान की एसएलआर राइफल छीनना चाहता था। इसी इरादे से उसने हमला किया था, और जब एक जवान की एसएलआर गिर गई और दूसरे जवान ने उसे उठाने की कोशिश की तो मुर्तजा ने उस पर गड़ासे से वार कर दिया। जहां भी इस मामले के इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी तो वहां जो है हमारी टीम जाएगी और जा भी चुकी है, तो ऐसे में काफी जगह कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही कुछ प्रगति होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकली हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें क्या देख रहे हैं, ये सब पूरा इन्वेस्टिगेट अब किया जा रहा है। उससे सवाल किया गया कि मंदिर क्यों गए, तो उसने कहा था कि अल्लाह के लिए जान देने का मन कर रहा था। अहमद मुर्तजा अब्बासी से लगातार हो रही पूछताछ और बरामदगी के बाद अब यूपी एटीएस की टीम उसको लेकर लखनऊ रवाना हो चुकी है। लखनऊ के एटीएस मुख्यालय पर अब मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ होगी, और इस पूछताछ में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम अन्य राज्यों की इंटेलिजेंस एजेंसियां, जांच एजेंसियां के अफसर भी पूछताछ करेंगे। माना जा रहा है कि अब्बासी अपने आप को मानसिक तौर पर बीमार बताने का जो नाटक रच रहा था वो उसकी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, ताकि लोगों को उसके ऊपर शक न हो। यूपी एटीएस के अफसरों से घंटों की पूछताछ में भी कई बार उसने खुद को मानसिक तौर पर बीमार बताने की कोशिश की, लेकिन पूछताछ में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए, जानकारियां भी हासिल हुई, जो यूपी एटीएस को लगता है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी एक बेहद खतरनाक
मिशन को अंजाम देने की फिराक में था। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक। मुर्तजा की पूर्व पत्नी भी बताती है कि वो जाकिर नायक की वीडियो देखता था। आपके सामने कभी उन्होंने जाकिर नायक का जिक्र किया था? मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन मम्मी लोग जैसे नॉर्मली वीडियोस वगैरह कभी कभी देखते थे, अब हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। मुर्तजा को कई घंटे की पूछताछ के बाद एटीएस लखनऊ ले गई है, जहां एटीएस हेडक्वार्टर में अब उससे पूछताछ होगी। इतना तो तय है कि वो मोहरा था और उसके पीछे कुछ बड़े चेहरे छुपे थे, जो बेनकाब होंगे ये तय है। जौनपुर से राजकुमार सिंह के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।